किसान भाइयों, बिन्यामीन शौकत हाजिर। आज का बड़ा मुख्तसर सा प्रोग्राम है और ऐसे किसानों के लिए है जो चने की काश्त करते हैं। हुकूमत ने चने की काश्त के लिए थल को बहुत ज़बरदस्त पैकेज दिया है। थल यानी ज़िला भक्कर, लैया, जंग और खुशाब। ऐसे किसान जो इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं वो गवर्नमेंट की इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में चने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और मकामी तौर पर पैदा होने वाला चना पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा, जिसकी वजह से हुकूमत को चना इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। चने की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत ने थाल में सोलर सिस्टम से चलने वाला स्प्रिंकल निजामे आबपाशी के ऊपर 80% सब्सिडी फ्राहमी का ऐलान किया है। यानी 1,00,000 रुपए वाले सिस्टम का आप सिर्फ 20,000 देंगे, बाकी 80,000 हुकूमत अदा करेगी। स्प्रिंकल निजामे आबपाशी से आप न सिर्फ पानी की बचत कर सकते हैं बल्कि खादों की भी बचत मुमकिन है। इस निजाम से 80% से जायद खादों की बचत भी होती है। मतलूबा खाद पानी के टैंक में डालकर बराह रास्त पौधों को दे दी जाती है। ये निजाम आपाशी सोलर पे चलेगा, जिसकी वजह से किसानों को बिजली का बिल भी नहीं अदा करना पड़ेगा। अगर आप भी सब्सिडी से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो काश्तकार दरख्वास्त फार्म मुतलका डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त फार्म www.ofwm.agripunjab.gov.pk की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती हैं। इस सब्सिडी में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त फार्म जमा करने की आखिरी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, ताहम हुकूमत की तरफ से ये सहूलत पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता किया जा सकता है। ये था आज का मुख्तसर प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही बिन्यामीन शौकत को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।